नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो चुका है। अक्सर लोग रात में चार्ज करते हुए फोन का इस्तेमाल करते हैं और नींद आने पर फोन को चार्जिंग पर ही लगाए छोड़ देते हैं ताकि सुबह तक फोन फुल चार्ज मिले। लेकिन यह एक हादसे का सबब बन सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऐसा ही हादसा हुआ। सहारनपुर जिले में मोबाइल चार्ज करने के दौरान कथित तौर पर करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके दो बच्चे झुलस भी गए। मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगने से महिला की मौत, एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा बताते हैं कि जिले के ग्राम कुंडा निवासी शहजाद अपने परिवार के साथ गंगोह के मोहल्ला इलाशी बख्श में किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रात शहजादी और उसके दो बच्चे एक ही चारपाई पर लेटकर मोबाइल देख रहे थे। उस समय मोबाइल चार्जिंग प्लग में लगा था। शर्मा ने बताया कि नींद आने पर शहजादी सो गई। देर रात मोबाइल और चार्जर में करंट आने और शहजादी और उसके बच्चों के चपेट में आने से संभवतः यह हादसा हुआ। चीखे सुनकर पति उठा और उसके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि करंट लगने पर तीनों की चीख सुनाई दी। शहजाद उठा तो देखा पत्नी और दोनों बच्चे बेहोश थे। शर्मा ने बताया कि तीनों को रात को ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने शहजादी को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके दोनों बच्चे 5 वर्षीय आरिस और 8 वर्षीय सना का इलाज चल रहा है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।